मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए फैसला दिया। सौ सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 4 माह के अंदर आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ना विकास कर सकती है, ना देश को सुरक्षित कर सकती है, ना देश की जनता की जन भावनाओं का सम्मान कर सकती है। अगर आप विकास नहीं दे सकते, अगर देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर जनता की जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो जनता आपको सत्ता पर क्यों बिठाए? मुझे बताओ भाई पाकुड़ वालों, वोट देने जाना है, क्या करोगे? जोर से बोलो, क्या करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? कई दशकों तक पहाड़ियों ने जुल्मी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। इस संघर्ष के नायक टीका माझी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये 5 साल झारखंड के अंदर मोदी जी और रघुवर दास जी ने विकास का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया है। एक समय था कि अंग्रेजी घुसपैठ जब संथाल परगना में आई, लोगों ने सताने आई, तब मीर जाफर जैसे गद्दारों ने इसका खुलकर समर्थन किया था और यहां अंग्रेजों का राज्य प्रशासित हुआ था। मैं आज भी कहता हूं, मीर जाफर जैसे गद्दारों को पहचान कर आपका प्रतिनिधि कोई ऐसा न बन जाए, इसकी चिंता आपने करनी है। यहां से जाकर एक एक वोट को कमल के निशान पर दबाकर करनी है। भाई और बहनों, आज हेमंत जी कांग्रेस की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री, मैं हेमंत जी को पूछना चाहता हूं, सालों तक जब झारखंड के युवा झारखंड राज्य की रचना की लड़ाई लड़ रहे थे, झारखंड के युवाओं पर गोलियां दागी जाती थी, टीयर गैस छोड़े जाते थे, लाठियां भांजी जाती थी, उस वक्त शासन में कौन था? हेमंत जी, आपको याद न हो तो गुरु जी को पूछकर देख लीजिए, उस वक्त शासन में कौन था? उस वक्त शासन में यही कांग्रेस पार्टी थी, यही राजद थी, यही आरजेडी और लालू प्रसाद थे, जिन्होंने झारखंड के नौनिहालों को शहीद करने के लिए मजबूर कर दिया था। और आज आप उसी झारखंड विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो? शर्म करो हेमंत जी, शर्म करो, सत्ता के लिए इतने नीचे नहीं जाते। मित्रों, सालों तक झारखंड के युवा लड़ते रहे, परंतु झारखंड राज्य की रचना नहीं हुई जब तक कांग्रेस और आरजेडी का शासन था। झारखंड राज्य की रचना कब हुई? जब केंद्र के अंदर कमल फूल की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई और अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर
झारखंड की रचना हुई और ये हमारा झारखंड राज्य बना। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया है और नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को सवारने का काम किया है, विकास देने का काम। ये झारखंड की भूमि पर नक्सलवाद इतना फैला था कि नक्सलवाद के चलते रोड नहीं बनते थे, बिजली नहीं जाती थी, शौचालय नहीं बनते थे, स्वच्छ पीने का पानी भी नहीं पहुंच रहा था, गैस का सिलेंडर भी नहीं पहुंच रहा था। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सलवाद को झारखंड की धरती पर से उखाड़ कर 20 फुट नीचे जमीन में दफन करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जो जल जंगल जमीन का नारा देते थे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं, आप तो भैया आदिवासियों का नारा देते थे, ये नक्सलवाद आपके शासन के अंदर क्यों चला? मित्रों, मोदी जी ने साहिबगंज योजना इस देश को समर्पित की और ये साहिबगंज योजना से पूरा झारखंड और ये पूरा एक क्षेत्र जल मार्ग से जुड़ जाएगा। सागरमाला परियोजना के तहत हल्दिया और कलकत्ता की बंदरगाह साहिबगंज के साथ जुड़ते ही ये पूरे संथाल परगना के अंदर समृद्धि आने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला है और हम आने वाले दिनों में ये पूरे क्षेत्र को डेवलपमेंटल कॉरिडोर के रूप में भी विकसित करने वाले हैं। मित्रों, प्राचीन काल में यूरोप और एशिया सब देशों के अंदर यही साहिबगंज से व्यापार होता था, परंतु कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये व्यापार से लदलदा एक क्षेत्र पूरा सुमसाम कर दिया। मोदी जी फिर से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए व्यापार के रास्ते खोलना चाहते हैं और साहिबगंज बंदर को एक वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाना चाहते हैं। मित्रों, ये तभी हो सकता है जब मोदी जी के हाथ आप मजबूत करो। मित्रों, आज मैं इस धरती पर से झारखंड के पिछड़े समाज के युवाओं को कहने आया हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर एक घोषणा की है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बनेगी तो तुरंत ही आदिवासियों और दलितों का रिजर्वेशन कम करे बगैर पिछड़ा समाज के युवाओं को रिजर्वेशन बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, और ये पिछड़ा समाज के युवाओं को मोदी जी ने इतने साल के बाद एक संवैधानिक सम्मान देने का जो काम किया है, इसके तहत यहां पर भी ओबीसी कमीशन बनाकर युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की ही मैं बात करता हूं, देश और दुनिया की बात नहीं करना चाहता। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 साल में इतने विकास के काम किए हैं, मैं राहुल बाबा और हेमंत जी को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आपके 50 साल के काम का हिसाब लेकर आ जाओ, मेरा युवा मोर्चे का अध्यक्ष यहां साहिबगंज के चौराहे पर खड़ा देकर हिसाब देगा, आपके 50 साल हमारे 5 साल हमारा पर्दा भारी। मित्रों, पॉलिटेक्निक कॉलेज पाकुड़ प्रखंड के अंदर नई बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया, महिला कॉलेज पाकुड़ प्रखंड के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आईटीआई पाकुड़ और बरहरवा प्रखंड के अंदर नई बनाने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पाकुड़ और बरवाड़ा दोनों प्रखंड से होकर पाकुड़ से लिट्टी परा के बीच नया नेशनल हाईवे बनाने का काम स्वीकृत कर दिया गया है। कुछ ही समय में इसकी शुरुआत होगी। पाकुड़ प्रखंड में सौर पेयजल संयंत्र इकाई विकसित की गई है। जल आपूर्ति योजना के तहत मां गंगा का पानी पाकुड़ के हर घर के अंदर नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। पाकुड़ और बरहवा दोनों जगह अस्पताल के भवनों का नवीनीकरण करने का काम समाप्त कर दिया है। 33 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर लंबी सड़कें यहां पर बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। अब पाकुड़ में माताएं बहनें बेटियां खुले में शौच करने के लिए मजबूर नहीं है। 9 सामुहिक शौचालय और 42,851 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, पहले पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में बिजली तो कभी कभार आती थी, आज मैं गारंटी से कह रहा हूं 16 से 22 घंटा बिजली आज पूरे क्षेत्र में मिलती है और 14,557 गांवों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये रघुवर दास और नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। मित्रों, लगभग 5,941 लोगों को घर बना कर दिए और 38,501 माताओं के घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर देकर गरीब मां के घर को धुएं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 40,000 परिवारों को 40,000 से ज्यादा परिवारों को 5,00,000 तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत उठा रही है। और 2,337 सखी मंडल बनाकर लगभग 30,572 महिलाओं को रोजगारी देने का। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।